नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। चाइना की लहसुन को लेकर पत्र को लेकर एक बड़ी जानकारी मैंने आपको बताई थी, किस तरीके से चाइना की लहसुन की एंट्री को लेकर मध्य प्रदेश में एक पत्र जो है पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने पत्र लिखा था प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को। उसके बाद अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से यह भी खबर निकल के सामने आ रही है कि मंदसौर और जावरा में बड़ी संख्या में चाइना की लहसुन आई है। इस वक्त ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि चाइना की लहसुन मंदसौर और जावरा में लाई गई है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद कौन वो लोग हैं जो चाइना की लहसुन भारत लाने का काम कर रहे हैं और मंडियों में बेचने का काम कर रहे हैं। जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि मंदसौर में भी एक गोदाम पर चाइना की लहसुन रखी गई है, तो जावरा में भी एक गोदाम पर चाइना की लहसुन रखी गई है। ऐसी सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना बाकी है, लेकिन अगर जांच एजेंसी अगर रेड मारती है, कार्रवाई करती है, उनके जो सूचना तंत्र है उनको मजबूत करती है, तो एक चौंका देने वाला और एक बड़ा जखीरा जो चाइना की लहसुन का जब्त हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि मध्य प्रदेश में एक तरफ जहाँ चाइना लहसुन को लेकर व्यापारियों का दर्द छलक रहा है, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो किसानों का भी दर्द छलक रहा है। और इस बीच ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर व्यापारी भी विरोध में है, किसान भी विरोध में है चाइना की लहसुन को लेकर, आखिर वो कौन लोग हैं जो चाइना लहसुन लाने का काम कर रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि चाइना की लहसुन को लेकर जिस तरह की एक तरफ विरोध हो रहा है, तो मंदसौर और जावरा से बड़ी जानकारी निकल के आ रही है कि चाइना की लहसुन लाई गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, इस तरह की जानकारी के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।